आरक्षी 1037 अनुज कुमार सिंह चतरा, आरक्षी 294 जयप्रकाश सिंह चतरा, आरक्षी 1085 सचिंद्र कुमार चतरा, चालक आरक्षी 959 मदन प्रसाद यादव चतरा, शहीद हवलदार ओम प्रकाश चौरसिया के पुत्र अरविंद कुमार चौरसिया और श्री अवधेश कुमार झा सहायक अवर निरीक्षक सेवानिवृत्त। और उसके बाद दिनांक 7 फरवरी 2018 नौडीहा बाजार थाना पलामू जिला अंतर्गत प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन द्वारा मुठभेड़ कर उनकी मंशा को विफल करने के सराहनीय कार्यों के लिए श्री अरुण कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अभियान, आरक्षी 170 रंजीत कुमार पलामू, आरक्षी 904 बलराम दास पलामू। दिनांक 1/2/2018 दारू थाना नेतरहाट के सीमावर्ती भीतर पंडरा के जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2,00,000 का इनामी सब जोनल कमांडर को मारा गया और उनकी मंशा को विफल किया गया। इस वीरता के लिए श्री रमेंद्र कुमार पुलिस उपाधीक्षक स असाल्ट ग्रुप कमांडर जगवार, श्री ओम प्रकाश तिवारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआदार लातेहार तोरपा खूंटी तोरपा, पुलिस अवर निरीक्षक आलोक कुमार दुबे पुलिस निरीक्षक सरायकेला, आरक्षी 517 प्रमोद यादव लातेहार और हवलदार 5 मनोज कुमार को पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद दिनांक 24/7/2017 बानो ओपी सिमडेगा जिला अंतर्गत टोनियो कुला तुपू जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2,00,000 इनामी एरिया कमांडर राधा नायक लालू लोहरा एवं मनीष सूरी नामक 3 उग्रवादी मारे गए एवं उनकी मंशा को विफल करने के सराहनीय कार्य के लिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज श्री ब्रजेश कुमार यादव पुलिस उपाधीक्षक असाल्ट ग्रुप कमांडर झारखंड जगवार, पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मुर्मू, पुलिस अवर निरीक्षक बिहारी मरांडी, हवलदार 207 राधे श्याम प्रसाद, आरक्षी 2375 रितल कुमार, आरक्षी 2287 रिंकू कुमार यादव, आरक्षी 2668 जीवन किसफोट्टा और आरक्षी 729 गुण बहादुर थापा को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ अलंकृत किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं 4/4/2018 को लातेहार जिला के हेरहंज थाना अंतर्गत सिकित जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5,00,000 इनामी कुख्यात नक्सली सबजोनल कमांडर स्तर के उग्रवादी मारे गए थे और उनकी मंशा को विफल किया गया। इसके लिए पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार रांची जिला, पुलिस अवर निरीक्षक सनोज कुमार चौधरी सरायकेला खरसावा, सहायक अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार, आरक्षी 231 मनोज रजवार हवलदार, आरक्षी 667 अनोज कुमार ओझा लातेहार, आरक्षी 1256 नरेश तिग्गा लातेहार, आरक्षी 554 इंद्रजीत तिवारी गढ़वा, आरक्षी 2153 लातेहार श्यामानंद प्रसाद गुप्ता, आरक्षी 431 छोटू यादव पलामू, आरक्षी 2261 मिथुन कुमार रवि लातेहार और आरक्षी 1326 मनोज कुमार बावरी जैप 4 बोकारो को माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वीरता के लिए राज्य के उन पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वीरता एवं शौर्य के लिए दिया जाता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना नागरिकों की रक्षा करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के 33 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनकी वीरता एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान कर रहे हैं। ये वो जाबाज फरिश्ते हैं जिन्होंने हर द्रुह कर्तव्य पथ पर झारखंड की और झारखंड के लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने का काम किया है। सलाम है इनके जज्बों को, सलाम है इनके कार्यों को।
मैं भारत माँ का हरदम अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। ऐसे ही अरमानों के साथ अपने कर्तव्य पथ पर लाख मुश्किलों के आने के बावजूद भी निरंतर निरंतर आगे रहने वाले ये हमारे पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस के जवान, सबको सलाम, आपके जज्बों को सलाम है। आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उनको सम्मान एक गौरव का, गर्व का विषय। सुरक्षा तंत्र के मेरुदंड हैं हमारे पुलिसकर्मी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समर्पण की भावना के लिए अपने कार्य करते रहते हैं और आज इनकी इसी वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मानो आज ये सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मयोगी ये कह रहे हैं, मैं अमन पसंद हूं, मेरे देश में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूं, मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे में ना बांटो, बस मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। आपकी बदौलत हम महफूज हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित परेड समारोह में श्री विनीत कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक हटिया रांची के द्वारा फर्स्ट इन कमांड के रूप में उच्च कोटि के प्रदर्शन के लिए, इनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। गर्व के साथ, सम्मान की भावना से, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत फर्स्ट इन कमांड 2017 बैच के अधिकारी श्री विनीत कुमार। आज की इस परेड के फर्स्ट इन कमांड के रूप में हमारे सामने थे 2017 बैच के झारखंड पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री विनीत कुमार। बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत वर्तमान में अक्टूबर 2019 से फर्स्ट इन कमांड को सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। देश संजीवनी है, प्रेरणा है, प्राण तंत्र, वतन मुझ में है और मैं वतन में हूं। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे पुलिस पदाधिकारी और हमारे कर्मयोगियों के इस हौसला अफजाई के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पित ये सोच
अच्छा दे रहा है कमांड, दे रहा है कमांड, दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान होने वाला है, बहुत धन्यवाद।